नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मान लो आपके पास नंबर ऑफ एटम एन नॉट थे, ये एनसीईआरटी में नहीं आएगा, सीधा फॉर्मूला आएगा इसका मार्क करने को अगर आया तो। नंबर ऑफ एटम एन नॉट थे, थोड़ी देर में नंबर ऑफ एटम कितने रह गए, एन हो गए, लेफ्ट एन हो गए, कितने समय में, टी टाइम में। तो क्वेश्चन है ये समय बताओ, टाइम क्या होगा, मैथ्स की प्रॉब्लम है ये। एन पता है, एन नॉट पता है, टाइम बताओ। तो यहां से क्या करेंगे, एन नॉट को नीचे ले आए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, इसको सिंप्लीफाई किया, पावर को नीचे ले आए, इसकी वैल्यू वन है, सॉल्व करके टाइम की वैल्यू निकाल ली। तो सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे, ये मैंने ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करने को देखा आता हुआ है। स्मॉल टी की वैल्यू 1 बाई लैम्डा लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन, वेर एन नॉट इज नंबर ऑफ एटम इनिशियली जो प्रेजेंट थे, एन का मतलब नंबर ऑफ एटम टी टाइम पे। तो सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे, ये टाइम है कितनी देर में नंबर ऑफ एटम एन नॉट से एन हो जाते हैं। कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपसे लैम्डा भी पूछ लेगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा एक तरफ और टाइम एक तरफ, तो ये भी फॉर्मूला मार्क करने को आ सकता है।